अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनके फूड्स। आज हम बनाएंगे लौकी का रायता जो बहुत ही मजेदार बनके तैयार होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले लौकी बॉईल करेंगे। लौकी बॉईल करने के लिए पैन में तकरीबन 1.5 जग पानी डालकर पानी में बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आने के बाद इस शेप में कटी हुई 1.5 पाव लौकी डालकर पानी में अच्छे से डिप करेंगे। और दरमियानी आंच पर लौकी को नरम होने तक बॉईल करेंगे। लौकी बॉईल होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब लौकी चेक करेंगे। लौकी गल चुकी है। अब लौकी को छान कर रख लेंगे। अब पैन में 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालकर हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई हो चुका है। अब 2 अदद दरमियाने साइज के मोटे कटे हुए टमाटर डालकर मिक्स करेंगे। टमाटर मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढककर हल्की आंच पर टमाटर नरम होने तक पकाएंगे। टमाटर नरम होने के बाद शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालकर टमाटरों को अच्छे से घुला लेंगे। टमाटर घुलाने के बाद डालेंगे 1 अदद दरमियाने साइज की चॉप की हुई प्याज, बॉईल की हुई लौकी और 2 अदद बारीक कटी हुई बड़ी हरी मिर्च डालकर मिक्स करेंगे और पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। लौकी तैयार है। अब तैयार की हुई आधी लौकी बॉल में डालेंगे। फिर लौकी पर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फेंटी हुई दही डालेंगे। दही टोटल 1/2 किलो फेंटी है जिसमें से आधी अभी डाली है और आधी बाद में डालेंगे। दही डालने के बाद बाकी की बची हुई लौकी डालेंगे। फिर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आधी दही जो बची थी अब वो डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। अब रायते के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए पैन में डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल और 4 से 5 अदद साबुत गोल मिर्च डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। गोल मिर्च फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून जीरा और थोड़े से कड़ी पत्ते डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। और रायते में तड़का लगा देंगे। हमारा मजेदार लौकी का रायता तैयार है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।